13 दिन की घटना है ये। समान थाना अंतर्गत एक शत्रुघ्न पटेल करके एक अपने नौवे वाहिनी में एक आरक्षक हैं, जिनको कि फ़ोन आता है कि भाई आपको सेकंड डोज लगना है और सेकंड डोज के रजिस्ट्रेशन किए जाने हैं, तो हम लिंक भेज रहे हैं और बाकी चीज़ें फ़ोन से, तो वो अपने उस हिसाब से कर देगा जो भी उनको जानकारी मिले। वो फिर हमारे पास कंप्लेंट लेके आए थे, उसमें हम लोगों ने कार्रवाई करी है आगे, क्योंकि बैंक उस समय बंद थे तो उसमें स्टेटमेंट में थोड़ा सा टाइम लगा। बाकी जानकारी आ चुकी है, उसमें कार्रवाई करेंगे जो भी होगा। 3,39,000 कुछ है। PHQ से भी गाइडलाइन जारी हुई है उसी संबंध में कि इस टाइप से फ्रॉड चालू हो गए हैं, तो इसमें सावधानी रखें और इससे बचने हैं तो उपाय करें जो भी है। इससे बचाव के लिए सर क्या क्या कदम उठाए जा सके, कैसे लोग सावधानी बरतें? ये तो पहले से ही हम लोग भी एडवाइजरी जारी करते रहते हैं, किसी भी अनजान व्यक्ति के फ़ोन आने पर अपनी जानकारी शेयर ना करें, उस पर जल्दी भरोसा ना करें। जब फर्स्ट डोज के लिए आपको नहीं फ़ोन लगाएगा तो सेकंड डोज के लिए क्यों लगाया जाएगा? आप समझ नज़दीकी जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें जाकर संपर्क करें। वो फ़ोन से बताते गए हैं, जो भी जानकारी वो मांगते गए हैं फ़ोन से वो बताते गए हैं। सर कुछ अंदाजा कहाँ पे हो सकता है, कहाँ से मामला जुड़ा हो सकता है, कुछ है कुछ नगर पालिका? हाँ, जानकारी आ गई है, लेकिन उसको ओपन करना ठीक नहीं रहेगा। हाँ जी, कोशिश करेंगे। ये जामतारा गैंग है, ये जामतारा बिहार के आसपास। 13 दिन की घटना है ये। समान थाना अंतर्गत एक शत्रुघ्न पटेल करके एक अपने नौवे वाहिनी में एक आरक्षक हैं, जिनको कि फ़ोन आता है कि भाई आपको सेकंड डोज लगना है और सेकंड डोज के रजिस्ट्रेशन किए जाने हैं, तो हम लिंक